हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सबके साथ बढ़िया होंगे, आपने गेम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आप सब जानते हो अभी हमें इंडियन सर्वर के अंदर जो AI94 का इंक्यूबेटर चल रहा है, तो इसके बाद कौन सा इंक्यूबेटर आने वाला है आप सब जानते होंगे। बहुत सारे लीक एंड अपडेट आपने देख ही ली होगी कि 1M187 का जो इंक्यूबेटर आने वाला है, 2Shot का इंक्यूबेटर आने वाला है। तो आज की इस वीडियो के हम आपको कन्फर्म बता देंगे वो कब आएगा और क्या डेट होगी, मतलब और कैसे कैसे स्किन होगी, कलर होगा, मतलब सब कुछ बता देंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहिए, उससे पहले हम और बहुत सारे इवेंट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे बंदे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है गाइस। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, जो सबसे पहला इवेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे वो हमारे टॉप यूनिवर्स रिलेट है। तो यहाँ पे हमें मतलब 500 मतलब 100 डायमंड का ड्रॉप करेंगे तो हमें 50% तो मतलब ज़्यादा मिलेगा, यानी प्लस 50 डायमंड मिलेंगे, और 300 डायमंड पे हमें 100 डायमंड प्लस मिलेंगे। ये दूसरा सर्वर का, ठीक है ना, हमारे सर्वर के अंदर ऐसा नहीं होगा। हमारे सर्वर के अंदर मतलब पूरा का पूरा प्लस मिलता है, आप सबको पता ही होगा, मतलब 500 डायमंड पे मिलते हैं, हमने 1000 डायमंड मिलता है। तो ये कन्फर्म नहीं है कि हमारे सर्वर के अंदर आएगा, लेकिन क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले आया था। लेकिन जो दूसरा वाला मतलब एक और टॉप इवेंट निकल के आया वो वाला हमारे इवेंट हमारे सर्वर के अंदर मतलब पक्का आने वाला है, क्योंकि वो बहुत टाइम से नहीं आया, आप सबको पता होगा। हर एक अपडेट के अंदर एक नए एक टॉप इवेंट आता है, तो ये वाला आ चुका है। तो लेकिन दूसरा वाला जो अभी तक नहीं आया हुआ है गाइस, सारे इवेंट की बात कर लें तो ये हमारे सर्वर के अंदर बहुत टाइम से नहीं आया हुआ, पिछले मतलब अपडेट के अंदर आया था लेकिन उसके बाद नहीं आया। तो हो सकता है ये वाला इवेंट हमें देखने को मिल जाए, जिसके अंदर हमें मतलब 250 डायमंड में या फिर 160 डायमंड में हमें 500 डायमंड मिल जाए, ठीक है ना। आप सबको पता होगा मिलता है हर इवेंट के अंदर, ये वाले टॉप इवेंट आते ही आते हैं। तो इस वाले में के अंदर भी आ सकता है, ये कन्फर्म नहीं है लेकिन आने वाला है। हो सकता है कि ये जो मतलब हमारा नेक्स्ट टॉप इवेंट है इसी पे हो। उसके बाद की बात कर दीजिए, इस बंडल की बात की जाए तो ये जो बंडल है हमारा FFC टोकन के अंदर मिलने वाला है हमको, ठीक है ना। जैसे हर इवेंट के अंदर अपडेट होता ही होता है, मतलब कोई ना कोई अपग्रेड आता है, कोई ना कोई न्यू बंडल आता है, तो इस बार ये वाला बंडल आने वाला है हमारे FFC टोकन के अंदर। और इसी बंडल का जो फीमेल बंडल है वो आएगा हमारे डायमंड रोल के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट डायमंड रोल जो होगा वो इसी फीमेल बंडल का होगा, अभी तो चल रहा है एक डायमंड रोल, इसके बाद जो आने वाला है वो इस फीमेल बंडल का डायमंड रोल होगा, ठीक है ना। तो मतलब मेल उस FFC टोकन के अंदर आएगा और फीमेल जो बंडल है वो आ जाएगा हमारे डायमंड रोल के अंदर। गाइज, आप सब जानते होंगे कि अभी हमारे इंडियन सर्वर के अंदर जो मनी हिस्ट का जो मतलब कोलैबोरेशन फिर से हो गया है, तो फिर से इसके जो इवेंट्स वगैरह आने वाले हैं। तो भाई इसके इवेंट्स के बारे में बात की जाए तो भाई बहुत ज़्यादा इवेंट आने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इवेंट, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता है कि इतने इवेंट कभी देखने को मिलेंगे जितने इस बार देखने को मिल रहे हैं। मतलब फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है और मतलब हमें परचेज भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन ये मानो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली भाई, मतलब इनके बारे में बता भी नहीं सकता। अगर इनके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि कल हमारे फ्री फायर के अंदर या कल या परसों जो हमारे फ्री फायर के अंदर जो इवेंट आने वाला है उसके अंदर इनमें से कोई एक बंडल आ सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक बंडल आ सकता है जिसके अंदर हमें ये कुछ सामान भी देखने को मिलेगा। गाइस, हमने बता दिया कि नेक्स्ट डैम रोल कौन सा होगा, लेकिन आप बताते हैं हम आपको नेक्स्ट वेपन रोल कौन सा होगा। तो नेक्स्ट वेपन रोल जो है वो होगा हमारे स्नाइपर जो है ट्रीटमेंट स्नाइपर वाली गन आई हुई फ्री फायर के अंदर, तो उस पर होने वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमें मतलब रेट ऑफ फायर प्लस मिलेगा, मूवमेंट स्पीड माइनस मिलेगी और डबल ये कुछ मिलेगा, पेन पटन क्या होता है ये। तो इसके अंदर मतलब ये कोई यूज़ ही नहीं करता, मुझे लगता है कोई बंदा यूज़ करता है। हाँ, ये यूज़ करते हैं सिर्फ अपने मतलब टीममेट्स को उसके करने के लिए, मेडिकेट करने के लिए हम करते हैं यूज़, बाकी और कोई यूज़ करता नहीं। इसको पता नहीं किस लिए दिया है फ्री फायर वालों, और क्या इसके मतलब गन की स्किन की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, कुछ भी नहीं पता। लेकिन क्या इसके बाद एक और गन आने वाली है जिसका MP5 की स्किन आने वाली है, वो इंक्यूबेटर के अंदर आएगी कि किसके अंदर आएगी ये भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये पता है कि पक्का वो आने वाली है, कुछ ही टाइम के बाद आ जाएगी। और बहुत ही ओपी स्किन है, मतलब यार एकदम लेजेंडरी स्किन है, जिसके अंदर बहुत ही मज़ेदार स्किन दिखाई दी हमें, तो आप लोग भी देख लो वाली स्किन। और ऐसा भी हो सकता है ये किसी ना किसी मतलब इंक्यूबेटर के अंदर आएगी या फिर अलग से एक इंक्यूबेटर बनेगा, मतलब आप सबको पता ही है एक बनता रहता है हमेशा अलग से इंक्यूबेटर हमारे फ्री फायर के अंदर, जब ज़्यादा इवेंट्स होते हैं तो एक इंक्यूबेटर हमारा वही रहता है, तो एक अलग से बन जाता है, तो उसके अंदर ये गन स्किन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर कैसे ऐसे ही मतलब उसके अंदर आ जाएगी, फेडरल विल के अंदर आएगी, किसी ना किसी इवेंट के अंदर आने वाली ये वाली गन भी हमारी। अब हम बात कर लेते हैं भाई लोग हमारे इंक्यूबेटर के बारे में, M187 के इंक्यूबेटर के बारे में। जैसे आप सबको पता है बहुत देर से ये अपडेट निकल के आ रही है कि ये वाला M187 का इंक्यूबेटर आने वाला है। तो गाइस, अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुआ है कि ये वाला इंक्यूबेटर आएगा, ठीक है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन ये कंफर्म हो गया था कि कौन सा इंक्यूबेटर आने वाला है, ठीक है, ये कंफर्म है। लेकिन ये नहीं कंफर्म है कि ये कब आएगा M187 का इंक्यूबेटर, इसका मुझे कोई भी पता नहीं है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कोई फेक न्यूज़ है या फिर क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रही इसके बारे में, ठीक है ना। क्योंकि अभी किसी भी ऑफिशियल साइड से मतलब फ्री फायर वालों ने ये कंफर्म नहीं किया कि हम M187 का जो इंक्यूबेटर है वो देने वाले, ठीक है, और ना इसकी कोई स्किन वगैरह निकल के आई है। बस यही कुछ स्किनें निकल के आई हैं और ये फेक भी हो सकती हैं कि रियल है, मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन हाँ भाई, ये बता सकते हैं कि कौन सा नेक्स्ट इंक्यूबेटर आने वाला है, तो बस ये वाले बंडल जो है नेक्स्ट इंक्यूबेटर के अंदर आने वाले हैं हमारे, जो कल या फिर परसों मतलब कुछ दिन के अंदर ये वाला स्टार्ट होने वाला है हमारा इंक्यूबेटर, तो इसके ये वाले बंडल सारे के सारे इसके अंदर आने वाले।
कुछ मेल बंडल और कुछ फीमेल बंडल, आप सबको पता है हर बार होता है ये मेल और फीमेल दोनों बंडल आते रहते हैं फ्री फायर के अंदर। तो गाइज यार ये वाले सारे के सारे बंडल आने वाले हैं, तो गाइज हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि कब आएगी M87, क्योंकि उसके बारे में कोई कन्फर्म अपडेट निकल के नहीं आई है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि इस दिन आएगी, इस दिन आएगी, इस वाले अपडेट में आएगी, लेकिन ये अभी तक मैं नहीं बता सकता हूँ भाई किस वाले इवेंट में आएगी। ठीक है ना गाइज, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम फेक न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई 80% फेक है और 10% लगता है कि आ सकती है, लेकिन 80% मुझे लगता है जहाँ तक बिल्कुल नहीं आ सकती यार, मेरे अंदाजे से मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये वाली न्यूज़ मतलब कन्फर्म नहीं है ये वाली न्यूज़। तो गाइज चलो, जो भी आपको लगे तो आप, अगर हमको पता है कि कन्फर्म कौन सी आने वाली है तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट करके कि कौन सी इवेंट आने वाला है, मतलब ये इनक्यूबेटर कब आने वाला है और कौन सा आने वाला है। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने वीडियो देखी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज हम कुछ ही टाइम के बाद फ्री फायर के अंदर मतलब लाइव स्ट्रीम भी कर देंगे, हाँ ठीक है ना, इसी चैनल के ऊपर, क्योंकि अभी थोड़ी सी मतलब टेंशन प्रॉब्लम वगैरह चल रही है जिसकी वजह से हम वो नहीं कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जरूर कन्फर्म बताते हैं थोड़े ही टाइम के बाद हम जरूर से जरूर करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज, थैंक यू।